अब हम लेंगे सिचुएशन सेवन, है ना। सेवन सिचुएशन में हमारे पास थ्री केसेस हैं, तो सेवन सिचुएशन का अपन फर्स्ट केस ले रहे हैं। सेवन सिचुएशन क्या है, कभी कभी बिजनेस जो है स्टार्ट ही फर्स्ट अक्टूबर से होता है, है ना। तो फर्स्ट अक्टूबर से जैसे बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च सिक्स मंथ्स, है ना। मतलब जो ड्रॉइंग होता है ड्यूरिंग सिक्स मंथ्स, है ना। तो हमारा जो केस है, इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन ड्यूरिंग सिक्स मंथ। अब इसका फर्स्ट केस हम ले रहे हैं इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, और यहाँ पर हमारा केस क्या है कि अक्टूबर फर्स्ट को बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। तो एवरेज पीरियड काउंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, वो हमारे जो मंथ स्टार्ट हो रहे हैं अक्टूबर फर्स्ट, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। अब यहाँ पर वही फॉर्मूला एवरेज पीरियड का, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग अपॉन टू। अब हम लोगों को पता है कि हमारे पास टोटल सिक्स मंथ्स हैं, अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट ड्रॉइंग आएगा आपका अक्टूबर फर्स्ट को, सेकंड ड्रॉइंग आएगा नवंबर फर्स्ट को, थर्ड ड्रॉइंग आएगा आपका दिसंबर फर्स्ट को, फोर्थ ड्रॉइंग आएगा आपका जनवरी फर्स्ट को, फिफ्थ ड्रॉइंग आएगा आपका फरवरी फर्स्ट को, और सिक्स ड्रॉइंग आएगा मार्च फर्स्ट को। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, तो फर्स्ट ड्रॉइंग अक्टूबर फर्स्ट के बाद मंथ लेफ्ट रहेंगे, मंथ्स लेफ्ट रहेंगे अक्टूबर वन, नवंबर टू, दिसंबर थ्री, जनवरी फोर, फरवरी फाइव, मई, मार्च सिक्स। तो सिक्स मंथ्स, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, अक्टूबर को जो ड्रॉइंग करा उसके बाद अक्टूबर को भी काउंट करेंगे क्योंकि अक्टूबर की फर्स्ट डेट है। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च सिक्स मंथ, एंड मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, तो हमारा लास्ट ड्रॉइंग है मार्च फर्स्ट को। मार्च फर्स्ट को जो लास्ट ड्रॉइंग है, तो मार्च फर्स्ट पूरा मार्च यानी वन मंथ जो है वो लेफ्ट है, है ना। और अपॉन में क्या आ जाएगा, टू। तो एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा, सेवन बाय टू, इट मीन्स थ्री, सेवन बाय टू इट मीन्स 3.5 मंथ्स, है ना। पीरियड है इसलिए मंथ्स में आंसर दे रहे हैं, वहां पर फॉर्मूला में पुट करेंगे अल्ट्रासाउंड ड्रॉइंग के, तो 3.5 और मंथ हट के वहां पर ऑलरेडी फॉर्मूला में अपॉइंटमेंट 12 है। ओके, अब अपनी सिचुएशन सेवन का सेकंड केस क्या है। सिचुएशन सेवन, फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉ ड्यूरिंग सिक्स मंथ्स। वही कि यदि बिजनेस स्टार्ट करा है अक्टूबर फर्स्ट को, तो हमारे पास टोटल सिक्स मंथ्स ही बचते हैं मार्च 31st तक, है ना। तो अब हम लाइक हमारा जो सेकंड केस है वो है इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, मतलब फर्स्ट अक्टूबर से लेकर मार्च 31st तक मिडिल ऑफ ईच मंथ सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं पार्टनर। तो एवरेज पीरियड फाइंड करने का फॉर्मूला वही है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग अपॉन टू, है ना। अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं कि उसने जो भी है फर्म स्टार्ट हुई है, स्टार्टेड अ फर्म ऑन फर्स्ट अक्टूबर, ड्रू रेगुलरली रूपीज डेढ़ डेश इन द बिगिनिंग ऑफ, बिगिनिंग ऑफ वाला अपना पॉइंट हो गया, इन द मिडिल, है ना, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, है ना, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ पर जो इसका फर्स्ट ड्रॉइंग रहेगा वो अक्टूबर 15 को रहेगा, सेकेंड ड्रॉइंग नवंबर 15 को रहेगा, थर्ड ड्रॉइंग दिसंबर 15 को रहेगा, फोर्थ ड्रॉइंग जनवरी 15 को रहेगा, फिफ्थ ड्रॉइंग फरवरी 15 को, और लास्ट ड्रॉइंग जो है उसका मार्च 15 को रहेगा। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग जो है, फर्स्ट ड्रॉइंग देखो आप अक्टूबर 15 है, तो जो हाफ मंथ तो गया, हाफ मंथ चला गया, तो यहां से बचते हैं 0.5 मंथ्स, है ना। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, तो यहां से बचते हैं 0.5 मंथ्स, 0.5 तो ये, और ये कैलकुलेट कर लो तो 1, 2, 3, 4, 5, तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग 5.5 प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, तो लास्ट ड्रॉइंग जो है इसका मार्च 15 को रहेगा, मार्च 15 के बाद पूरे मार्च में
अब जब उसका लास्ट ड्राइंग मार्च 15 को होगा तो उसके बाद 0.5 मंथ्स लेफ्ट रह जाएंगे. तो इस तरीके से ये आ जाएगा 6/2, इट मींस 3 मंथ्स. ओके, अब सिचुएशन 7 का थर्ड केस है. सिचुएशन 7 का थर्ड केस क्या है कि एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब यदि बिजनेस स्टार्ट होता है अक्टूबर 1 से और वो हर मंथ के एंड में एक इक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है ना. मैंने कैसा आपको एग्जांपल जैसा बना के दिया है कि क्वेश्चन में आता कैसा है, जब भी क्वेश्चन में द स्टार्टेड अ फर्म ऑन 1 अक्टूबर ड्यू रेगुलरली रुपीज डैश एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ्स एंडेड 31 मार्च. ये तीनों केसेस, 7 सिचुएशन की जो तीनों केसेस हैं, उसमें क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग आएगा, है ना. एक बार देख लो, है ना, 7 सिचुएशन की तीनों केसेस में स्टार्टेड अ फर्म ऑन 1 अक्टूबर रेगुलरली रुपीज डैश एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ्स एंडेड 31 मार्च. मतलब पूरे ईयर में अब 6 मंथ ही बचे हैं क्योंकि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा है 1 अक्टूबर को. तो यहाँ पर हम एंड वाला केस देख रहे हैं कि हर मंथ की एंड में. तो यहाँ पर जो फर्स्ट ड्रॉइंग है वो अक्टूबर 31 को है, सेकेंड ड्रॉइंग नवंबर 30 को है, थर्ड ड्रॉइंग दिसंबर 31 को है, फोर्थ ड्रॉइंग जनवरी 31 को है, फिफ्थ ड्रॉइंग फरवरी 28 या 29 अकॉर्डिंग टू ईयर, और सिक्स्थ ड्रॉइंग जो है मार्च 31 को है. फॉर्मूला वही है, अब याद हो गया होगा आपको. तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, तो फर्स्ट ड्रॉइंग अक्टूबर 31 को है, तो अक्टूबर 31 पूरा गायब कर दो. तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, अक्टूबर गया पूरा, तो मंथ कितने बचते हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 1 2 3 4 5. तो यहाँ लिख देंगे 5+ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग. लास्ट ड्रॉइंग जो है मार्च 31 को है, मार्च 31 के बाद एक भी डे इस अकाउंटिंग पीरियड में नहीं बचेगा, एक भी मंथ नहीं बचेगा, इसलिए 0 और अकाउंट में 2. तो एवरेज पीरियड जो है आपका जाएगा 2.5 मंथ्स. ओके,